हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्त, आज हमारे ब्रॉयलर का 37 दिन कंप्लीट है और 38वां दिन आज रनिंग में है। और बर्ड भी जो है एवरेज जो ग्रोथ इसकी है, हमको लगता है कि 2300 प्लस के आसपास होगा ही, देखने से ऐसा लग रहा है। आज वेट नहीं हुआ है और हो सकता है शाम को लिफ्टिंग सुपरवाइज़र आए। आज 38वां दिन है और आज हो सकता है कुछ लिफ्टिंग भी हो, तो इस वजह से हमने जो है उनका वेट नहीं किया। और बर्ड भी ठीक ठाक है, बढ़िया है ग्रोथ। हमको लगता है कि पर डे इसको जो है जो 100 ग्राम का रेशियो है वो मिल रहा है इसको। और इसको हमने इस बार कुछ भी ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है और लीवर टॉनिक भी अभी तक नहीं चला है। तो एक दिन रात में थोड़ा सा बर्ड जो है फीड की सप्लाई गड़बड़ थी, फीड की सप्लाई नहीं हो पाई थी, तो रात में जो है बर्ड का दिन के करीब 12-1 बजे से रात पूरी रात और सुबह करीब 8 बजे तक भूखा था। तो उसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा इसका वेट उस दिन नहीं मिला था वेट करने पे, क्योंकि इस टाइम पे ये बर्ड इस कंडीशन में है कि इसको अगर 3-4 घंटे का ब्रेक तो चलेगा, 3-4 घंटे का ब्रेक देना ज़रूरी भी है, और उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो फिर नुकसान ये कर जाएगा, ओवर फीडिंग कर लेगा तुरंत और तुरंत ही इसका बीट जो है कच्चा बीट आने लगेगा। इस वजह से आप 3-4 घंटे का ब्रेक नॉर्मल दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। उसमें फिर अगर ज़्यादा देंगे तो फिर वेट लॉस होने का चांस रहेगा। इस समय बस केयर करने वाली चीज़ें ये है कि आपका बर्ड जो है पानी का इंटेक कम ना करे। फीड तो ये जम के खा रहा, फीड में कोई कमी नहीं है, बस पानी का इंटेक बढ़ा रहे जिससे कि इनका डाइजेशन अच्छा बना रहे। और पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए हम वही दे रहे हैं, काला नमक पानी में इनको। सुबह एक टैंक जो है पूरा पानी नमक वाला दे दिया जाता है, तो दिन भर इनका बना रहता है, फिर शाम को एक टैंक। और दूसरे वाले फार्म में भी उधर है तो उसमें भी चल के आपको दिखाते हैं। उसमें भी मुझे लगता है ये छोटा वाला फार्म है, इसमें थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने से लग रहा है, बाकी जब लिफ्टिंग होगी तो फिर पता चलेगा क्या कंडीशन है दोनों का एवरेज वेट का। और इसमें थोड़ा सा हमको कम लग रहा है, उस वाले में चल के दिखाते हैं आपको। वो बड़ा वाला फार्म है और इधर जो हमारा टैंक बना था बायोफ्लॉक, उसमें हमारे कड़कनाथ हैं, बीच में तालाब। इस पर भी एक वीडियो मैं बना के दूंगा जो कड़कनाथ की फार्मिंग हम कर रहे हैं। जो लोग बायोफ्लॉक फार्मिंग फिश फार्मिंग कर रहे थे, ठगे जा चुके हैं ट्रेनरों के चक्कर में, जो ट्रेनिंग के नाम पे ही केवल बायोफ्लॉक वालों को ठग लिया मटेरियल बेच करके और ट्रेनिंग दे करके, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये बड़ा वाला फार्म है और यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार बर्ड की कंडीशन इस तरीके से है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वहाँ की लीटर कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। 2 दिन इसमें लास्ट तक गुड़ाई हुई है और उसमें अभी गुड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा पानी गिर गया था निप्पल से, तो इस वजह से गुड़ाई नहीं कर पाए। और पता चला कि 36-37 में लिफ्टिंग भी होनी है, तो उस वजह से और भी छोड़ दिया गया। और लास्ट टाइम पे 3-4 दिन पहले रैकिंग बंद भी कर देना चाहिए, ताकि जो गैस की मोर्टैलिटी होती है वो ना हो। पिछले 3-4 दिनों में करीब 10-15 करके मोर्टैलिटी हुई है, और थोड़ा सा रेशियो इस टाइम मोर्टैलिटी का हमको लग रहा है 230 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आज शाम को अगर लिफ्टिंग होगी तो कल आपको वीडियो अपडेट देंगे कि क्या हमारा एवरेज आया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।